Students, how are you all? I hope you're fine and well. Students, this is your EVS subject class and this one is your EVS book. And today we are going to start a new chapter, that is Animal Kingdom. Students, we will talk about the animals in very short and detailed form, you can say, because this is a chapter totally related to the animals, wild animal, farm animal, pet animals, okay? So let's talk about this. Students, here the picture of some animals faces, animal faces picture hai. Yahan pe aapko identify karna hai face ko animal ke and write down the name. Okay, just like this is lion, so you have to write lion over here. Okay, monkey, to write down monkey here. Okay, elephant, elephant, rabbit, aise hi aapko सारे फेसेस को आइडेंटिफाई करना है एंड राइट इट्स नेम बाय सीइंग देयर फेसेस. ओके, नाउ कमिंग टू पेज नंबर 75. टाइप्स ऑफ एनिमल. एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर. हर जगह एनिमल हमें मिलते हैं. दे आर फाउंड ऑन लैंड, इन एयर एंड इन वाटर. दे वेरी इन साइज एंड शेप. सम आर वेरी बिग लाइक blue whale and some are very small like an ant, like the ant. Kuch animals bahut bade hote hain, kuch animals bahut chote hote hain, hai na? Like blue whale is very big and ant is very small. There is one more assignment for you, home assignment student. Write here the name of some animals. Very big, yahan pe aapko very big animals ke name likhne hain. Okay, just like elephant, blue whale. Okay, ऐसे एनिमल्स के नेम. यहाँ पे आपको थोड़े से बिग एनिमल्स के नेम लिखने हैं. ठीक है, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ऐसे एनिमल्स के नेम. यहाँ पे आपको स्मॉल एनिमल्स नेम लिखने हैं, लाइक मंकी, रैबिट, ओके, काउ. एंड यहाँ पे आपको वेरी स्मॉल एनिमल्स नेम लिखने हैं जो बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल्सो योर होम असाइनमेंट. नाउ कमिंग टू वाइल्ड एनिमल्स. फर्स्टली टॉक अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स. स्टूडेंट्स, वाइल्ड एनिमल क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स आर द एनिमल्स हु लिव इन द फॉरेस्ट. जो एनिमल जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. लाइक एनिमल दैट लिव इन द जंगल. ओके, एनिमल्स दैट लिव इन द जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. यू कैन सी वाइल्ड एनिमल इन अ जू, नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड सर्कस. ओके, एनिमल्स जो हमें जू में दिखते हैं, नेशनल पार्क में दिखते हैं, दीज काइंड ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, हियर आर द पिक्चर ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन. लायन लिव इन अ डेन. मंकी, मंकी लिव इन अ ट्री. ओके, एंड रैबिट, रैबिट रैबिट लिव इन अ बरो. एंड स्नेक, स्नेक लिव इन अ होल. ओके, सो दीज आर द वाइल्ड एनिमल्स. एनिमल हु लिव इन द jungle are called wild animals. Now turn the page. So let's talk about domestic animals. Okay, ab hum kiske bare mein baat karenge? Domestic animals ke bare mein. Domestic animal are also called farm animals. Domestic animals ko hum farm animals bhi bolte hain. Animal that help us and provide useful things are called farm animals. वो animals जो हमारी help करते हैं और हमें useful चीज़ें provide करते हैं, that type of animals are called farm animals. Okay? Like farm animals हमें egg provide करते हैं, milk provide करते हैं, cow हमें egg दे milk देती है, hen हमें egg देती है, okay? Sheep से हमें cotton मिलता है. So these animals give us different things, useful things. Okay, so ये क्या हो गए? Domestic animal या farm animals. Cow, dog, sheep, horse, buffalo, goat. Okay, we keep some animals in our homes. Such animals are called pet animals. अब आती है बारी pet animals की. वो आर पेट एनिमल्स जिन्हें हम अपने घर पे, अपने होम में, अपने साथ रखते हैं. दैट टाइप ऑफ एनिमल आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. ओके, उनको क्या बोलते हैं? पेट एनिमल्स. नाउ कमिंग टू अदर एनिमल्स.
There are many animals that live in water. Animals that live in water are called aquatic animals. अब जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं. ओके, हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. शार्क हो गई, फिश हो गई, ओके, ईल हो गया, वेल हो गई. दीज आर कॉल्ड वाटर एनिमल और एक्वेटिक एनिमल. ओके, सम एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस. एम्फीबियंस होते हैं कौन से? जो एम्फीबियंस होते हैं दैट इज लिव इन द वाटर. द एनिमल विच लिव इन द वाटर एंड लैंड. फ्रॉग हो गया, लैंड में भी रहता है वाटर में भी रहता है. क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया. दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस. क्या बोलते हैं इनको? एम्फीबियंस. ओके, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 78. इंसेक्ट आर ऑफन कॉल्ड क्रीपी क्रॉल्स. इंसेक्ट्स को हम क्रीपी क्रॉल्स ही बोलते हैं. दे कैन क्रॉल, जो ऐसे ऐसे क्रॉल होते हैं, फ्लाई एंड स्प्रिंग. बटरफ्लाई, मॉस्क्यूटो एंड ग्रास हॉपर आर इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स कौन से होते हैं? जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जिन्हें हम बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड इंसेक्ट्स. जो क्रीप करते हैं, फ्लाई करते हैं और स्प्रिंग करते हैं. ओके, उनको हम क्या बोलते हैं? इंसेक्ट्स बोलते हैं. बर्ड्स फ्लाई, दे लाई एग्स एंड लीव इन नेस्ट. बर्ड क्या करती है? फ्लाई करते हैं और एग प्रोवाइड करती है हमें, एंड दे लीव इन अ नेस्ट. यू कैन नेम द बर्ड दैट इज ग्रीन इन कलर एंड हैज अ रेड ब्रीक. यस, इट्स अ पैरट. पैरट इज अ बर्ड हू हैव रेड ब्रीक. इन रेड कलर की चोट होती है, ब्रीक से हम बोलते हैं, एंड ग्रीन कलर की होती है. ओके, पिजन, स्पैरो एंड पीकॉक आर कॉमन बर्ड ऑफ इंडिया. ओके, पीकॉक, पिजन और स्पैरो जो होते हैं दैट आर कॉमन बर्ड्स. नाउ अ विजिट टू फार्म. फार्म विजिट करेंगे अब. फार्म में लोग, फार्म में जो एनिमल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? फार्म एनिमल्स आर यूजफुल टू मैन. लेट अस विजिट द स्ट्रॉस फार्म टू मीट सम यूजफुल एनिमल्स. ओके, देखो यहाँ पे कुछ यूजफुल एनिमल हैं. आई कैच द माइस. कैच, माइस कैच करती है. वी ले एग्स. डक है. आई गिव वूल. शीप वूल देती है ना. ऐसे सारे एनिमल्स के यूज दिए हुए हैं. अ विजिट टू द जू. हियर इज अ जू विजिट. हियर इज ऑल्सो वन होम असाइनमेंट फॉर यू स्टूडेंट्स. इन योर विंटर वेकेशन जस्ट कम्प्लीट दिस असाइनमेंट्स. ओके, हियर द पिक्चर ऑफ जू एंड ब्लैंक गिवन बिलो. See the picture, okay? See the picture and write the name of animals. जिस animal का name पूछ रहा है उस animals का आपको name बताने, okay? Picture को properly देखना है. And here is hint help for you. यहाँ पे आपको hint box दिया हुआ है help के लिए, वो आप इससे help ले सकते हैं. Understood? So this is also your home assignment. This is your पेज नंबर 79 में एक होम असाइनमेंट है आपका. चैप्टर के बीच पे एक होम असाइनमेंट आपका मैंने बताया अभी. हियर पेज नंबर 75 में, एंड हियर इट इज 74. जस्ट डू ऑल द असाइनमेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, एंड क्लिक द पिक्चर आल्सो. नाउ कमिंग टू लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर. अ लॉन्ग टाइम अगो We cannot see some animals somewhere. हमें कुछ animals हर जगह नहीं दिखाई देते. These animals are extinct. Okay? Animals. They are also animals that will become extinct if we do not protect them. हमें इन्हें प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, इनसे बच के रहना पड़ता है, क्योंकि हर जगह हम इन एनिमल्स को नहीं रख सकते. ओके, सच एनिमल्स आर एंडेंजर्ड एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स एंडेंजर्ड एनिमल्स भी कहलाते हैं, बिकॉज दे विल हर्ट अस. ओके, हमें हर्ट कर सकते हैं ऐसे एनिमल्स. सो देयर इज वन मोर लास्ट असाइनमेंट इन द लेसन. कलर द टू एक्सटिंक्ट एनिमल्स हियर. यहाँ पे आपको किसी टू एक्सटिंक्ट
एनिमल्स को कलर करना है, ओके, बाय योर ओन चॉइस ऑफ कलर. सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर, ओके. इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स विल डू द एक्सरसाइज, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो.